सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है एंड मैं आ गया हूँ फिश के पास। एंड अभी जो है मैं फिश को उनका दाना दे रहा हूँ। ये मैंने इनकी लाइट जला दी है। तब तक आप फिश को देखिए जब तक मैं इनका दाना डालता हूँ इसमें। और अब देखिए थोड़ा सा दाना और डालेंगे क्योंकि इनको जो है मैं खाना एक एक दिन रुक के देता हूँ, रोज नहीं देता हूँ। कल मैंने टर्टल्स को फीड दी थी बट वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी और आज जो है फिश को देते हैं फीड। तो बस अब चलते हैं हम जो है बजीज को उनकी फीड देते हैं और उसके बाद जो है हम सीधा चलेंगे अपनी मुर्गी की फौज के पास और उनको भी दाना पानी देते हैं। ये रहा उनका खाना। और आज मौसम काफ़ी ठंडा है, देखिए हवा चल रही है तो इस वजह से मैंने बजीज को इस तरफ रखा हुआ है। ये देखिए मेरे दाना डालते ही दाना खाने आ गए। काफ़ी टाइम हो गया सुबह हुए और इन्हें भूख लगी होगी। गाइस, इनको मैंने जो है थोड़ी देर पहले खोल दिया था जिससे कि ये दाना पानी खा लें। तो अब जो है मैं इनको बिग केज में वापस लेके जाता हूँ बट उससे पहले मैं वहाँ इनकी फीड भरूंगा तो बिग केज में। और हम बिग केज में जाते ही जो है वहाँ का दरवाजा बंद कर देंगे वरना ही सबके सब मेरे पीछे आएंगे। अब जो ऐसा करते हैं इनको अंदर बुलाते हैं। तो गाइस यहाँ का काम हो गया पूरा। आपको मुर्गी के बच्चों की ग्रोथ कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बस अब यहाँ से चलते हैं और कबूतरों को भी उनकी फीड डालते हैं बट उससे पहले एक छोटा सा काम रह गया। इनके लिए यहाँ पानी भी डालना है, पानी लेके आते हैं और फिर पानी डालते हैं। ये देखिए सब कितने आराम से अपना खाना खा रहे हैं। तो चलिए इनके लिए पानी लेके आता हूँ मैं। गाइस मैंने इनका पानी भी रख दिया है इसके अंदर। आइए अब आपको जो है गाबा से मिलाता हूँ। और ये रहा टार्जन इस तरफ ध्यान देता हुआ। आइए गाबा को प्यार करते हैं थोड़ा सा फिर चलेंगे हम। गाबा की माँ को स्ट्रेस हो रहा है कि उसके बच्चे के पास कोई आ रहा है। ऐसा तो इंसानों में भी आता है। खैर ये तो जानवर है। चलते हैं हम सीधा। अब हम चलते हैं, हमने पिजन्स भी खोल रखे वहाँ चलते हैं। और हेलो गाइस, तो अभी मैं जो है कबूतरों के पास आया हूँ। कल रात बहुत बारिश हुई, आप देख सकते हैं पूरे लॉफ्ट के ऊपर पानी पानी जमा हो गया है। ये देखिए, अच्छी बात ये थी कि मैंने इसको पूरी प्लास्टिक से कवर कर रखा था इसलिए लॉफ्ट के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं गया। और आज जो है लॉफ्ट की अपडेट ये है कि इनका फीड ख़त्म हो गया, इनके लिए फीड भी लेके आएंगे आज। और जो है मैं आपको लॉफ्ट के अंदर की अपडेट देता हूँ। तो गाइज मेरे जो इधर सामने वाले काले कबूतर दिख रहे हैं इनकी आँख में इन्फेक्शन हो रहा है बट इनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। और इस तरफ से शुरू करते हैं। ये देखिए इधर ये बादामी ने भी अंडे दे रखे हैं, ये नीचे फैंटेल भी अंडे दे रखे हैं इसने। और ये बच्चों की ग्रोथ देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। आप सब इनके लिए प्रे करिएगा कि ये बच जाएँ और सही रहें। और गाइज ये दुआज ने भी जो है बच्चे दे दिए हैं, अभी मैं इसको छेड़ूंगा नहीं क्योंकि आज ही इसके बच्चे निकले। और ये इधर जो ये वाइट
चिट्टा है, इसने भी बच्चे दे रखे हैं। और गाइज ये एक ब्लैक में नहीं लेके आया था। और गाइज ये भी देखिए, इसके नीचे भी बच्चा है, वो भी हेल्दी है, और इसके नीचे भी दो बच्चे हैं। और गाइज ये भी अंडे पे बैठी है। तो बस अब मैं बाहर चलता हूँ, और बाहर चल के सोया सबसे पहले हम ये लॉफ्ट के ऊपर का पानी निकालते हैं। सामने देखिए बादल लग रखे, काफी अच्छा मौसम हो रखा है। क्या तो बस इनको थोड़ी देर खुले रहने देते हैं, और उसके बाद इन्हें बंद करेंगे, फिर दिन में खोलेंगे। और थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है, बट मौसम अभी भी बारिश वाला ही हो रहा है। हाँ जी बोलो। अंडा नहीं बेटा, उसमें बच्चा आ गया, अंडा तो क्रैक हो गया। पापा एक और अंडा उसके नीचे। देखो इधर आपको दिखाता हूँ नया बच्चा, आओ। गाय जी देखो, जो मैं बता रहा था कि दुआज के नीचे बच्चा आ गया, ये देखो बच्चे तो दिखा दे अपने, वो देखो, वो देखो। और जल्दी दूसरा बच्चा भी आ जाएगा, ये रहा हमारा फैंटेल का बच्चा। तो बस अब बाहर चलते हैं, इनको इनका दाना खाने देते हैं। गाइस दिन का टाइम हो गया, बट मौसम अब भी जो है बारिश वाला ही हो रखा है। और अब जो मैं कबूतर खोल रहा हूँ, कबूतर मैंने बंद कर दिए थे, और इनके लिए मैं नई फीड लेके आया हूँ, ये देखिए। तो इनकी फीड भी डालते हैं, और फिर गेहूँ भी ले आएंगे, फिर कल इनके लिए गेहूँ भी रखेंगे इसमें। तो बस अब बिना किसी देरी के इन्हें खोलते हैं पहले, फिर इन्हें फीड देते हैं। गाइस अभी जो है हम रैबिट्स को खाना खिला रहे हैं, रैबिट्स का लंच टाइम हो गया। तो आज रैबिट्स को हम देखिए पत्ता गोभी दे रहे हैं, मूली हो गई, उधर देखिए बिस्किट है, और सब अपनी मील इंजॉय कर रहे हैं। और इन्होंने पूरी मिट्टी खोद के फैला दी है पूरे घर में, अपना खाना अच्छा लगा उनको, और उन्हें उनका खाना अच्छा लगा है, अच्छे से खा रहे हो। पूरा मुंह में भर दिया, पूरा मुंह में भर दिया इन्होंने। मुंह देखना इनका, मुंह देखो इनका, ये देखो मुंह, ये लग गया पार्टी। तो गाइज इसके बाद अब हम चलेंगे मुर्गी के सैनों को खाना देंगे, और बस उसके बाद कबूतरों को फीड देते हैं, फिर ब्लॉग को ही करेंगे एंड। सो गाइस इस वक्त जो है मैं मुर्गी के सैन के पास जा रहा हूँ। इनका भी जो है लंच टाइम हो गया, इनको इनका खाना देते हैं, और उसके बाद जो है सबसे पहले तो इन्हें बाहर निकल, क्योंकि मैंने इनके लिए यहाँ पानी खोल दिया, सो दैट ये पानी पी लें, ये देखिए। और जब तक ये पानी पीते हैं, ये देखिए ये टार्जन जो है बच्चों को मारता रहा था, हट हट हट। तो इतने में जो है ये पानी पी रहे, इतने में मैं अंदर जाके इनका फीड भरता हूँ। कुछ बच्चे मेरे साथ अंदर आ गए, ये देखिए। और सबसे पहले इनका फीड भरते इस तरह, ओहो ये बड़ा वाला मुर्गा सब बच्चों को परेशान कर रहा है, तो मैंने इसको भगाया था, आप देखिए। ओहो इसको एक सुपर किक लगानी पड़ी, चल।
और इनके राइस मैंने यही डाल दिया, तो अंदर जाके इनकी फीड भरते हैं। अब कुछ दिन में जो है इनके नई फीड लेके आनी पड़ेगी, इनकी फीड भी ऑलमोस्ट खाली हो गई है। ये मैंने डंडा हटाया, ये मैंने बॉक्स उठाया, ये इसका मुंह खुला, थोड़ा सा इसमें डालेंगे, बाकी जो है सब बॉक्सेस में भरते हैं। अब सब चूजों को अंदर बुलाते हैं। तो गाइज अब मुर्गी के बच्चे काफ़ी बड़े हो गए। अगर आप में से किसी भी सब्सक्राइबर को मुर्गी के बच्चे चाहिए होंगे तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिएगा या कमेंट करिएगा, और जिसकी भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी मुझे सीधा बता दीजिएगा। बस अभी तो सारे बच्चे अंदर आ गए, थोड़ी सी फीड और बच्ची वो भी इसमें डालते हैं। तो गाइज अब इनके लिए जो है मैं पानी रखता हूँ ताकि ये पानी पी ले, इसके बाद इन्हें बहुत प्यास लगेगी, और बस उसके बाद जो हम पिजन्स के पास चलेंगे और ब्लॉक को करेंगे कंप्लीट। तो गाइज मेरे कुछ कबूतर की आँख में इन्फेक्शन हो गया है, मैं उनकी आँख में दवाई डाल रहा हूँ, तो आप भी ये नाम देखिए, अगर आपके कबूतर की भी कभी कोई दिक्कत हो तो आप ये वाली ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। और बस अब कबूतर की डाल दिए, किस बच्चे के डाल दिए, और एक ये ब्लैक वाला कबूतर है जो एक उसके डालेंगे, वो देखिए गाइस जो सामने पे इसके डालेंगे, और बस उसके बाद जो है कबूतरों को बंद करते हैं फिर। तो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।